Hello everyone, welcome to my channel which is Learning Institute, and today I am going to discuss some numerical problems on photoelectric effect. तो इसके पहले हमने डिस्कस कर लिया है थ्योरी वाले पार्ट को, फोटोइलेक्ट्रिक और क्वांटम दोनों ही सेक्शन को, तो आप उधर से लेक्चर्स वगैरह देख सकते हैं. आज हम न्यूमेरिकल थोड़ा लगाएंगे उसके ऊपर. तो सबसे पहले फोटोइलेक्ट्रिक, फिर उसके बाद क्वांटम के न्यूमेरिकल्स लगेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. तो एक न्यूमेरिकल है, द फोटोइलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल इज 2.061 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. वर्क फंक्शन को हम डिनोट करते हैं ओ डब्ल्यू या ओमेगा से. तो 2.061 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये दिया हुआ है कि द फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन, किसी मेटल का वर्क फंक्शन है 2.061 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो कैलकुलेट द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ एंड थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी. हमें बताना है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ और थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, यही दोनों हमें कैलकुलेट करना है. वर्क फंक्शन हमें पता है, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, हम इस तरीके से निकाल सकते हैं. W इक्वल टू होता है एच न्यू नॉट, यहाँ से एच न्यू नॉट और न्यू नॉट ही हमारा थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी है. ये क्या है, यही है थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, और इसी को हम वर्क फंक्शन बोलते हैं. ये था हमारा वर्क फंक्शन, या हिंदी में इसे कार्यफलन बोलते हैं, कार्य कार्यफलन. तो न्यू नॉट निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, ओमेगा अपॉन एच हो जाएगा सिंपल. और एच यहाँ पे क्या है, एच है प्लैंक्स कांस्टेंट. यहाँ पे एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट. इसकी वैल्यू होती है 6.63 × 10⁻¹⁴ जूल सेकंड. तो चूंकि ये जूल सेकंड में है, तो एक तरह से ये एमकेएस पद्धति में है या एमकेएस सिस्टम में है. तो हम क्या करेंगे, जो हमारा वर्क फंक्शन दिया हुआ है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है. तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि पहले हम यूनिट को हम सेम कर लें. जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो इसे हमें चेंज करना पड़ेगा जूल में. तो हमें एक फॉर्मूला पता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल के. ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है, भले सीधे फार्मूले पे है, लेकिन यूनिट वाइज ये काफ़ी टफ हो जाता है. तो जब हम यूनिट अप्लाई करेंगे तो ये क्वेश्चन काफ़ी लंदी हो जाता है, 2.061 × 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल. ठीक है, तो ये फार्मूला है, इसको याद रखेंगे. 1 eV इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 × 10⁻¹⁹ या 1 mev कहीं पे आ जाए, ये कैपिटल M है, ये हो जाएगा 1.6 × 10⁻¹⁴ जूल. ठीक है, या 1 kV अगर हो जाए, 1 kV तो ये होता है 1.6 × 10⁻¹⁶ जूल. तो ये सारे फॉर्मूले याद रखने बहुत ज़रूरी हैं, ये यूनिट चेंज में काम आता है. तो यहाँ पे H का मान हो जाएगा 6.63 × 10⁻¹⁾ अब इसके बाद सिर्फ कैलकुलेशन बचा है. तो कैलकुलेशन भी यहाँ काफ़ी लंदी होता है, उसको भी आप समझ के सॉर्ट आउट कर सकते हैं. जैसे यहाँ 1.6 दिख रहा है और यहाँ पे क्या है 2.061, यानी लगभग दो ही है, यहाँ जीरो के बाद 61 है, तो ये नियर अबाउट आपका आएगा. हम राउंडिंग कर रहे हैं, आप उसको इंटू कर सकते हैं. ये 6 × 16 = 32 होता है, तो ये कुछ 3.2. ठीक है, यहाँ पे हम कुछ ऐसे ही बढ़ा लेते हैं, 5.3 ऐसा कुछ आएगा, और ये हो जाएगा 10⁻¹⁹. हम राउंड फिगर कर रहे हैं, आप चाहें तो डिवाइड करके एग्जैक्ट ला सकते हैं. ये हो जाएगा 6.63 × 34. ठीक है, तो इसको अगर हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये एक पावर अगर हम इधर बढ़ा दें तो इसे डिवाइड करने में आसानी होगा. तो इसको हम लिख सकते हैं 32.53/6.63. चूँकि एक पावर हम यहाँ बढ़ा रहे हैं तो ये 10⁻²० हो जाएगा, होगा कैलकुलेशन है. यहाँ ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पॉइंट यहाँ करेंगे तो यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 10 से डिवाइड भी करेंगे तो ये हो जाएगा -20, और इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 10⁻¹⁴ + 14. ऊपर 20 है और नीचे 34, क्या आएगा +14. यहाँ से कुछ हमें मिल जाएगा 5
फाइव पॉइंट समथिंग जो भी 5 इस तरह का 10^14 और ये फ्रीक्वेंसी है हमारा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, सो इसका यूनिट हो जाएगा हर्ट्ज़। ठीक है, तो हमें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मिल गया 5.06 × 10^14 हर्ट्ज़। ठीक है, या इसको सेकेंड माइनस वन भी लिखते हैं। तो इसका ज़्यादा एग्जैक्ट आंसर चाहिए तो आप यहाँ बकायदा इनटू करके फिर यहाँ से डिवाइड कर सकते हैं, हमने सारा राउंड फिगर किया है तो लगभग इतना ही आएगा आंसर, इसी के अराउंड रहेगा और प्रोसेस भी यही है। तो जब हमें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मिल जाता है तो हम इसको बड़े आराम से निकाल सकते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। सो नाउ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ लैम्डा नॉट इक्वल टू सी अपॉन न्यू नॉट। तो ये क्वेश्चन ऐसे इजी होते हैं लेकिन कैलकुलेशन वाइज ये टफ होता है, इसलिए इसको करना बड़ा ज़रूरी है, अदरवाइज डायरेक्ट एग्ज़ाम में आ जाएंगे तो करना मुश्किल हो जाता है। हो जाएगा 3 × 10^8, ये लाइट की वेलोसिटी है और न्यू नॉट का मान यहाँ पे आया है, हम सिंपली 5 ले रहे हैं, 5 × 10^14। तो ये हमें मिल जाएगा, चाहे तो इसको 30 कर लें तो ये हो जाएगा 6, डिवाइड करेंगे तो, और ये 10^7 हो जाएगा, और जब इससे हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 10^-7 मीटर। ठीक है, या जनरली हम जो लैम्डा नॉट होता है या वेवलेंथ हम मॉडर्न फिजिक्स में जब भी दिखाते हैं तो इसको एंगस्ट्रॉम में दिखाते हैं, तो एंगस्ट्रॉम में जब दिखाएंगे तो क्या होगा, इसको 10^-10 करना पड़ेगा क्योंकि हमें मालूम है कि 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल होता है 10^-10 मीटर के, ये यूनिट है 1 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम एक मीटर का यूनिट है जो इतना छोटा होता है 10^-10 मीटर। तो अगर इसको 10^-10 हमें बनाना है तो 1000 से इनटू करना होगा, यानी ये क्या हो जाएगा 6000। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6000 × 10^-10 मीटर। ठीक है, हमने क्या किया, 3 से यहाँ इनटू कर दिया और यहाँ 3 कर दिए, ये 10^-10 हो गया। तो अब इसको हम सिंपली लिख सकते हैं 6000 एंगस्ट्रॉम, क्योंकि ये किसके बराबर है, ये जो 10^-10 है वो किसके बराबर है, 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर है, तो ये सिंपली एंगस्ट्रॉम हो गया। तो ये रहा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ये था और ये है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, यही हमें क्वेश्चन में चाहिए था। तो ये काफ़ी आसान है लेकिन कैलकुलेशन आनी चाहिए वरना यह टफ हो जाता है। ठीक है, इसी तरह का एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वर्क फंक्शन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कैलकुलेट द वर्क फंक्शन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर अ मेटल, तो किसी मेटल के लिए वर्क फंक्शन निकालना है वो भी इस यूनिट में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। गिवन दैट द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इज 6800 एंगस्ट्रॉम, जो गिवन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है वो कितना है, 6800 एंगस्ट्रॉम, यानी लैम्डा नॉट की वैल्यू हमें पता है 6800 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो हम इसको पहले मीटर में चेंज कर लें, जब भी हम सॉल्व करेंगे तो मीटर में चेंज करके, तो ये हो जाएगा 6800 × 10^-10 मीटर, या फिर इसको और हम चेंज कर लें तो 6.8 × 10^-7 मीटर। तो ये हमें मिल गया थ्रेशोल्ड वेवलेंथ 6.8 × 10^-7 मीटर। अब वर्क फंक्शन के लिए फार्मूला हमें पता है, वर्क फंक्शन W इक्वल टू एच न्यू नॉट, और ये होता है एच सी बाई लैम्डा नॉट। तो हमें मिल गया W इक्वल एच सी अपॉन लैम्डा नॉट, या सिंपली हाँ ठीक है यहाँ से भी आ जाएगा, हमें वर्क फंक्शन ही निकालना है, तो एच सी अपॉन लैम्डा नॉट। एच का वैल्यू क्या होता है, एच प्लैंक कांस्टेंट है, तो उसकी वैल्यू होती है 6.63 × 10^-34 इंटू सी, सो सी लाइट है, लाइट की स्पीड 3 × 10^8, और लैम्डा नॉट हमने देख गिवन है 6.8 × 10^-7। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे और जो वैल्यू आएगी वो जूल में आएगी, देन जूल को हम कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं,
तो देखिए थोड़ा सा राउंडिंग करना सीखिए, 6.63 है और ये 6.8 है, ठीक है। ये लगभग दोनों सेम ही है, केवल थोड़ा सा ये ज़्यादा लग रहा है, तो हम चाहें तो इसके साथ थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं। तो अगर इसको हम इसके साथ कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा कम हो जाएगा ये, क्योंकि ये ज़्यादा है, तो हम इसको लिख सकते हैं कुछ 2.8 इस तरीके से। और 10 के पावर को मैनेज करिए तो ये ऊपर जाएगा, तो 10^15 हो जाएगा, और इससे माइनस करेंगे तो (10^-19) ये 34 है, और ये ऊपर जाएगा तो 15, सो 15-34-19, तो ये हो गया इतना जूल। क्योंकि ये सारा हमने MKS यूज़ किया है, तो जो भी वो फंक्शन की वैल्यू आएगी वो जूल में आएगी। तो अगर ये क्वेश्चन मैं नहीं पूछता कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बताना है, तो हमारा आंसर यही था। अगर क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं पूछता तो आंसर यही हो जाता, लेकिन चूँकि क्वेश्चन में पूछा है, और अक्सर यहाँ पे हम अपने आप ही भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही चेंज करके बताएंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा एनर्जी देखने में अच्छा नहीं लगता। जैसे उसी तरीके का हो गया कि जो चीज़ है वो उसी भाषा में उसको जवाब दें। अब हवाई जहाज़ के स्पीड को अगर हम मीटर पर सेकंड में बताएंगे तो बड़ा बेतुका सा लगेगा कि इतना हज़ार मीटर पर सेकंड या इतना लाख मीटर पर सेकंड, तो वहाँ किलोमीटर बताते हैं। उसी तरीके से ये बहुत छोटा लगता है, इसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करेंगे तो हमें पता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 × 10^-19 जूल, ठीक है। तो अगर हम जूल से इसमें चेंज करेंगे तो 1 जूल इक्वल क्या हो जाएगा, 1/1.6 × 10^-19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सिंपल। यानी इस जूल में हमें इतने से डिवाइड करना होगा तो वो चेंज हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो चलिए करते हैं। सो वॉक फंक्शन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये हो जाएगा 2.8 × 10^-19 / 1.6 × 10^-19, ठीक है। तो ये काफ़ी आसान है, दोनों पावर सेम ही है, कैंसिल आउट हो गया। ये 1.6 है, यहाँ पे 2.8 है, तो लगभग 2, लेकिन 2 नहीं है, 16 × 2 = 32 होता है, ये क्या होगा 1.8 या 1.9 ऐसा ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 2 नहीं हो सकता, उससे कम है। तो इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर आपको 1.8 है, तो इतना यहाँ पे चलता है। अगर आप कायदे से इसको बिना राउंडिंग के सॉल्व करेंगे तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो ये है, हम इसको चेक कर सकते हैं। राउंडिंग में भी आप काफ़ी क्लोज हो, राउंडिंग करने से कंपटीशन वगैरह में आसानी होती है कि आप बिना कैलकुलेशन के आंसर निकाल रहे हो जो लगभग नियर अबाउट है। तो ये टैक्टिक्स अपनाना चाहिए, अगर आपको कंपटीशन में बैठना है तो बहुत तेज़ी से सॉल्व करने आना चाहिए। इतना ज़्यादा डिवाइड और ये सारी चीज़ें हम यहाँ करेंगे तो काफ़ी टाइम टेकिंग होगा, तो ये काफ़ी प्रैक्टिस है, आप क्लोज से क्लोज जाएंगे राउंडिंग करके भी, ठीक है। तो इसी तरीके से आप बुक से भी और सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, हम कुछ और क्वेश्चन कराएंगे जो वेलोसिटी के ऊपर होगा, लेकिन वो अभी नहीं, बाद में, अभी थोड़ा सा इतना भी काफ़ी है, इतना देखिए पहले, उसके बाद हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी के ऊपर जो फोटो इलेक्ट्रिक में आया था, एंड देन उसके बाद कॉम्प्टन इफेक्ट का होगा। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, आई थिंक दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू।